दिल्ली की जनता के लिए डीटीसी बहुत ज़रूरी है, और डीटीसी ही ज़रूरी है क्योंकि ये लोग पूरे दिन अपने काम पे जाने वालों को, सरकारी जाने वालों को, प्राइवेट सेक्टर में पूरे दिन उनको ढोते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो इनकी सैलरी और वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों की, कंडक्टरों की सैलरी कम करने से क्या लेना देना है भाई। इनको फैसिलिटी दें, इनको फैसिलिटी देंगे तो जनता को फैसिलिटी मिलेगी, ये अच्छा काम करेंगे। अपने लिए तो ये कुछ नहीं मांग रहे, जनता के लिए मांग रहे हैं। एक सैलरी जो पूरी थी उसको कम कर दिया गया, अगर उसे वो पूरा करना मांगते हैं। फिर बसें मांग रहे हैं ये, तो बसें जो आएंगी वो जनता की सुविधा के लिए आएंगी, कोई प्राइवेट इनके लिए तो आएंगी नहीं। पर्सनल तो ये उसमें कुछ करेंगे नहीं, पर्सनल तो इनका काम है कि सवारी ढोना, स्टॉप टू स्टॉप चलना, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। हमें भी समझ नहीं आ रही कि जबकि हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, और हमें ये समझ नहीं आ रही कि उनकी सैलरी क्यों कम की जा रही है। जो जनता की सुविधा के लिए कर रहा है हम उसके साथ हैं, दिलो जान से उसके साथ हैं। अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो हम प्रदर्शन में भी साथ जाएंगे, और जो भी बात उठा मिलेगी हम उसको उठाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये पहले बाहर गाड़ी चलाते थे, तो एक बेटा था मेरा जो खत्म हो गया था, तो ये भी ट्रक चलाते थे, तो उसके खत्म हो जाने से हम लोगों ने इसको ट्रक से हटवा लिया था। तो यहाँ पे डीटीसी में भर्ती हो रही थी जब हम आए थे, तो हम बेटे को बचाने के लिए यहाँ लेके आ गए थे हमारा बेटा। इस रूम का मैं 6,500 रुपए किराया देता हूँ, बिजली का बिल अलग देता हूँ, उसके बाद में ये हाल है कि तनख्वाह हमारी आ रही 10,000। सिर्फ इस 10,000 में हम क्या करेंगे, 6,500 इनको देंगे, फिर आना जाना, फिर भाग दौड़ सब कुछ करना है। कई बार ड्यूटी भी नहीं मिलती हम लोगों को, हम लोग खाली बैठाल के वहाँ से वापस भेज देते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इतना कुछ करने के बाद में हम लोग कुछ क्या मिल रहा है हमको, बाहर से आके यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये मम्मी पापा मेरे साथ में रहते हैं, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं दे रहा ये विवाह, कितना बुरा हाल कर दिया। मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं मर जाऊँ और डिपो के सामने जाकर मरूँ। जब मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठते हैं और तैयार होते हैं, मैं खाना बना के देती हूँ, टिफिन लेके जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, ड्यूटी छूट जाएगी। मैं पीछे, मेरे भी यही ध्यान रहता है कि कैसे सड़कें पार करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे जाते होंगे, मैं भी फोन कर करके पूछती रहती हूँ। फिर पूछा जाता है 1 घंटे बाद, नहीं मम्मी अभी मेरा नंबर नहीं आया। फिर मेरा नंबर नहीं आया, धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम को फिर ये खाली हाथ वापस लौट आते हैं। डीओ साहब कहते हैं ये नौकरी ओके कर करानी पड़ेगी, चाहे वो 140 किलोमीटर की हो, चाहे 150 किलोमीटर की हो, वो ओके करके आनी पड़ेगी, चाहे वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे में हो, 11 घंटे में हो, आपने डिपो जब भी आना है, जब भी ड्यूटी ओके करके आओगे, अगर आप पहले आओगे तो वापिस फिर भेज दिया जाएगा। ड्राइवर का इतना मानसिक संतुलन खराब रहता है, वो रोड पे गाड़ी भगाता है, रेड लाइट जंप करता है, ओवरटेक करता है, वो जो 8-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है उस बाद 2-2.5-3 हज़ार रुपये चलाने में चले जाते हैं, तो बचता क्या है ड्राइवर को। अब मेरे सामने तो एक ही मतलब रास्ता है, या तो मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊं, या फिर अपने बच्चों को मार कर खुद आत्महत्या कर लूं, इसके अलावा तो और सरकार ने इतना मजबूर कर दिया वो बिल्कुल। वो कसम
इरादा। सुबह 3 बजे उठने के बाद भी अपने घर की तैयारी करके, छोटे मोटे घर के काम करके भी, और सुबह पहुंचना पड़ता है इतनी जल्दी क्योंकि शिफ्ट की ड्यूटी है ये, और उसके बाद भी खासकर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इतनी दुविधाओं के बाद पहुंचने के बाद भी उसकी ड्यूटी की गारंटी नहीं है। दिल्ली की पब्लिक को भी इसके बारे में सोचना होगा कि आपकी सेवा में जो कर्मचारी है उनके साथ कितनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। जो रेगुलर काम होने वाला है आपका, संविधान तो कहता है कि भाई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी होना ही नहीं चाहिए, जबकि उसको भी ना मानते हुए ठेकेदार के अधीन काम करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। मेरा नाम देव कुमार है और मैं डीटीसी के अंदर कंडक्टर हूँ, और मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि डीटीसी के अंदर आज की डेट में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। 6-7 हज़ार रुपये की सैलरी के अंदर ये मेरे दोनों बच्चे या मैं या मेरे परिवार का कोई भी आदमी पेट भर के रोटी नहीं खा पा रहा है, और मैं जहाँ इससे पहले नौकरी करता था वहाँ मेरे को 17-18 हज़ार रुपये भी आराम से मिलते थे। मैं डीटीसी के अंदर एक उज्ज्वल भविष्य लेकर भर्ती हुआ था कि काश हम भी पक्के होंगे, हमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन हालात ये हो गए कि आज मैं 7-8 साल और पीछे चला गया हूँ। आज की डेट में मेरी 481 रुपये दहाड़ी है, जिसके अंदर मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखो मेरे घर के अंदर मैं पिछले 8-10 साल से डीटीसी के अंदर काम कर रहा हूँ और अपने घर पर एक बार भी सफ़ेदी तक नहीं करवा पाया हूँ, नहीं मैं अपने फर्ज का भी काम करवा पाया हूँ। ये मेरे बच्चे बैठे हैं 7-8 महीने से, जब हमारी कुछ सैलरी बड़ी थी, मिनिमम वेजेस दिल्ली का रिवाइज हुआ था, बड़ा था, तो उस दौरान मैंने अपनी लड़की का ट्यूशन भी लगवाया था, लेकिन अब 2-3 महीने से हमारी सैलरी वापस वही कर दी गई है 481 रुपये, तो मैंने अपनी बच्ची का ट्यूशन भी हटवा दिया है। डीटीसी के अंदर हमने अपना वोटिंग सिस्टम कराया था कि भाई कौन अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए रोड पर उतरना चाहता है, हड़ताल करना चाहता है, धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो उस पक्ष में कम से कम हमें 10,000 वोट मिली हैं, और वो हाँ के पक्ष में मिली है कि हम अपने हक के लिए अब रोड के ऊपर उतरेंगे। दिल्ली सरकार को हमारे लिए कुछ करना होता डीटीसी डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने समान काम समान वेतन तुरंत लागू कर देना चाहिए था, मगर उनकी करने की नीयत नहीं है, और उन्होंने जो किया है वो सभी के सामने है कि प्राइवेट सेक्टर में बसें बढ़ा रहे हैं, हमारी डीटीसी की बसें नहीं आ रही हैं। और इसके खिलाफ डीटीसी का कर्मचारी दिल्ली की जनता को साथ लेके पूरे आंदोलन में उतरेगा और पूरी लड़ाई लड़ेगा, और डीटीसी को बचाने के लिए पूरा एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगा। स्ट्राइक करना नहीं चाहते, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि हमें स्ट्राइक के अलावा दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता, और हम दिल्ली की जनता को परेशानियां नहीं देना चाहते। दिल्ली की जनता से भी अपील करते हैं वो हमारे स्ट्राइक में हमारा साथ दें, क्योंकि अगर दिल्ली की पब्लिक के लिए बसें आएंगी तो हमारे को रोजगार मिलेगा, जब हमें अच्छा रोजगार मिलेगा हम अच्छी सेवा दिल्ली को पब्लिक को दे पाएंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार आपसी राजनीति के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी पिस रहा है। मैं सिर्फ यही जनता से अपील करना चाहता हूं कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में कर्मचारी परेशान ना हो, दिल्ली की जनता परेशान ना हो, उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उसके लिए हम ये 29 तारीख की हड़ताल में जाएंगे। जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं